दोस्तों राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल गए थे और दोनों ही साथ में बाहर निकले थे। दोनों के परिवारजनों में विजय और सुकून की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। और क्यों ना हो, 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज जो फैसला आया था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों राधिका और नवीन की शादी को सिर्फ 10 साल ही हुए थे, बाकी 6 साल ही वो साथ में रह पाए और 4 साल तो कोर्ट की कार्यवाही में ही निकल गए। राधिका के हाथ में दहेज की लिस्ट थी जो नवीन से अभी जाके लेना था, और नवीन के हाथ में भी गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेना था। दोस्तों साथ में कोर्ट का ये भी आदेश था कि नवीन राधिका को 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त में चुकाए। राधिका और नवीन एक ही टेम्पो में बैठ के नवीन के घर गए, क्योंकि राधिका को दिए हुए दहेज के सामान में निशान जो लगाना था। दोस्तों राधिका 4 साल बाद अपने ससुराल जा रही थी, और वो भी आखिरी बार। अब उसके बाद उसे वहाँ नहीं जाना था, और सभी के परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। सिर्फ 3 ही लोग बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माँ। दोस्तों नवीन घर में अकेला ही रहता था, माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते थे। राधिका और नवीन का एक लौता बेटा भी था जो 7 वर्ष का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास रहेगा और नवीन महीने में सिर्फ 1 बार मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने, एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था, एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते हुए घरों को पूरा होते हुए उसने देखा था। दोस्तों सपनों का घर था उसका, कितनी शिद्दत से नवीन ने राधिका के सपनों को पूरा किया था। अब नवीन थका हारा था तो सोफे में जाके पसर गया और कहा कि तुम्हें जो कुछ लेना हो ले लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दोस्तों राधिका ने अब नवीन को गौर से देखा, 4 साल में कितना बदल गया था। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी थी और शरीर भी आधा हो गया था। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। दोस्तों राधिका स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहाँ पर उसके दहेज का सामान पड़ा हुआ था। सामान ओल्ड फैशन का था तो इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। और मिला भी कितना था उसको दहेज, क्योंकि दोनों का प्रेम विवाह था, घर वाले मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लगी किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ों को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीछे बहक गया था नवीन और हाथ उठा बैठा, बस वो गुस्से से मायके चली गई थी। और फिर चला लगाने और सिखाने का दौर, उधर नवीन के भाभी और भाई और इधर राधिका की माँ। नौबत ये आई कि बात कोर्ट तक पहुँच गई और तलाक हो गया। ना राधिका लौटी और ना ही नवीन लेने गया। राधिका अपने सपनों में खोई हुई थी, तभी राधिका की माँ आ गई और कहा कि कहाँ है तेरा दहेज का सामान, दिखता नहीं है, लगता है शराबी ने बेच तो नहीं दिया। तो राधिका ने कहा कि चुप रहो माँ। दोस्तों राधिका को न जाने क्यों नवीन का उसके मुंह पर शराबी कहना ठीक नहीं लगा। राधिका ने स्टोर रूम में पड़े सारे दहेज के सामान को अपनी लिस्ट में मिला लिया। दोस्तों राधिका ने सिर्फ अपना ही सामान लिया और नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। राधिका ने गहनों से भरा बैग नवीन को पकड़ा दिया। दोस्तों नवीन ने गहनों से भरा बैग राधिका को लौटा दिया और कहा कि तू रख ले, ये तेरे काम आएंगे तेरी मुसीबतों के समय। कम से कम उन गहनों की कीमत 15 लाख रुपए थी। राधिका ने कहा कि तुम्हारा वकील तो कोर्ट में गहने गहने चला रहा था। तो नवीन ने कहा कि कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई, वहाँ तो मुझे सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित कर दिया गया। ये सुनकर राधिका की माँ ने थोड़ा तिरछा सा मुँह बनाया, और राधिका ने भी कहा कि मुझे भी नहीं चाहिए तुम्हारे 10 लाख रुपए, और ऐसा कहकर नवीन से मुंह फेर लिया। नवीन ने राधिका से कहा कि इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी, कम पड़ आएगा। और ऐसा कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे वाले कमरे में चला गया। शायद उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों राधिका की माँ गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी, तो राधिका को भी मौका मिल गया और वो नवीन के पीछे पीछे कमरे में चली गई। नवीन कमरे में फूट फूट कर रो रहा था। दोस्तों राधिका ने आज पहली बार नवीन को रोते हुए देखा, न जाने क्यों आज राधिका के दिल को सुकून मिला। तो राधिका ने बड़े ही सीधे साधे अंदाज में कहा कि अगर इतनी ही फिक्र थी तो मुझे तलाक क्यों दिया। नवीन ने कहा कि मैं तुमको तलाक नहीं दिया। तो राधिका ने कहा कि तुमने फिर दस्तावेज में हस्ताक्षर क्यों किए, तुम तो मुझसे माफ़ी भी मांग सकते थे। तो नवीन ने कहा कि तुमने मुझे मौका कहाँ दिया, जब भी मैं तुमको फ़ोन करता था तुम्हारे घर वाले फ़ोन काट देते थे। तो राधिका ने कहा कि तुम मुझसे घर आकर भी मिल सकते थे। तो नवीन ने कहा कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। इतने में राधिका की माँ आ गई
और राधिका का हाथ पकड़कर कमरे के बाहर ले गई और कहा कि अब क्यों मुंह लग रही है इसके, अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया है। और माँ बेटी बाहर सोफे में बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगे। दोस्तों राधिका के भीतर भी कुछ टूटा जा रहा था और दिल बैठा जा रहा था, वो सुन्न सी पड़ गई थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी, कैसे बचत करके उसने और नवीन ने सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी थी तब कहीं जाके ये सोफा पसंद आया था और फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर पड़ी। कितनी शिद्दत से उसकी देखभाल किया करती थी। उसके साथ ही तुलसी भी घर छोड़कर चली गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर उठकर भीतर चली गई। माँ ने पूछा और पुकारा लेकिन उसने अनसुना कर दिया। दोस्तों नवीन बेड पर उल्टा लेटा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। राधिका कमरे में आई, एक मिनट के लिए नवीन को देख के दया तो आई लेकिन वो जानती थी कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इसलिए भावुक नहीं होना चाहिए। दोस्तों राधिका ने प्यार भरी निगाहों से कमरे को देखा, कितना अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसको मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी हुई उन फोटो पे गई जिनमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे। इतने में उसकी माँ आ गई और हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी और सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन सी बैठी थी, नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। दोस्तों अचानक नवीन कान पकड़कर और घुटने के बल राधिका के पास बैठ गया और कहा कि माफ़ कर दो, मत जाओ। शायद ये वही शब्द थे जिसे राधिका 4 साल से सुनने के लिए तड़फ रही थी। राधिका ने तुरंत अपने बैग से कोट का कागज निकाला और फाड़ के फेंक दिया। दोस्तों इससे पहले राधिका की माँ कुछ कहती, राधिका नवीन से लिपट लिपट कर रोने लगी। अब राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट के आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दोस्तों काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से रिश्ते टूटने से बच जाते हैं तो आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए। दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।